वेलकम बैक टू माई चैनल। इस एपिसोड में दोस्तों बात करेंगे फिल्म ना तुम जानू ना हम, मतलब इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट के बारे में दोस्तों, क्योंकि ये फिल्म का आज हैप्पी बर्थडे है। मतलब आज से ठीक 22 साल पहले 10 मई 2002 को ये फिल्म रिलीज हुआ था और आज इस फिल्म ने पूरा कर लिया है पूरे 22 साल। फिल्म के लीड रोल में थे ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, ऐशा देओल एलोंग विथ आलोक नाथ, रति अग्निहोत्री, मौसमी चटर्जी और भी बहुत सारे सह कलाकार इस फिल्म में थे। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अर्जुन सबलोक ने और म्यूजिक दिया था राजेश रोशन ने। ये एक रोमांटिक मूवी है, मतलब दो दोस्त की कहानी एक ही लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं, आखिर में क्या होगा, ये फिल्म ये है इस फिल्म की कहानी। दोस्तों फिल्म का बजट था 14 करोड़ और इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे इनकम किया था 81 लाख, जो कि एक एवरेज ओपनिंग था ऋतिक रोशन की फिल्म के मुताबिक। और इस फिल्म का जो पहले वीकेंड का कलेक्शन था वो था 2.46 करोड़, क्योंकि इस फिल्म को बहुत ही नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, क्रिटिक्स ने बहुत ही नेगेटिव रिव्यू दिया। हालांकि ये सच है कि क्रिटिक्स का रिव्यू मैटर नहीं करता है, ऑनगोइंग पब्लिक का रिव्यू भी मैटर करता है, लेकिन जो लोग थिएटर में देखने गए थे इस फिल्म को, उन्होंने भी इस फिल्म को मिक्स टू नेगेटिव रिव्यू दिया था। इस वजह से फिल्म का जो कलेक्शन था वो इतना ज़्यादा हुआ नहीं और वीकडेज में ये फिल्म पूरा गिर गया और कलेक्शन पहले वीक के बाद था 3.34 करोड़, जो कि एक बिलो एवरेज नंबर था। और इस फिल्म ने ओवरऑल नेट इंडिया लाइफटाइम कलेक्शन किया था 8.14 करोड़, और मैं साइट पे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आप लोग पॉज करके देख सकते हो। और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस बढ़ी था दोस्तों डिजास्टर। और अगर मैं अपना छोटा सा एक रिव्यू शेयर करूँ इस फिल्म के बारे में दोस्तों, ये फिल्म मुझे पसंद है, मुझे देख के मज़ा आया, ऋतिक रोशन का काम बहुत बढ़िया लगा, गाने भी अच्छे लगे इस फिल्म के। ओवरऑल ये फिल्म मुझे पसंद है, अगर आप लोग चाहो तो देख सकते हो, ऋतिक रोशन के फैन हो, उनको रोमांटिक एंगल में देखना चाहते हो तो आप लोग एक बार इस फिल्म को देख सकते हो। ये था मेरा राय इस फिल्म के बारे में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, टाटा, जय हिंद।